सीएम योगी को जान से मारने की धमकी मिली है। मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को आए मैसेज में कहा गया कि अगर योगी ने 10 दिनों के अंदर इस्तीफा नहीं दिया तो वो बाबा सिद्दीकी की तरह उनकी हत्या कर देंगे। बटोगे तो कटोगे कोई नारा नहीं एक मंत्र है, बोले गिरिराज सिंह। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बुधवार 30 अक्टूबर को एक पत्रकार पर कुछ लोगों ने घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला किया। गंभीर रूप से घायल पत्रकार के अस्पताल जाने के दौरान मौत हो गई। हत्या के आरोप में 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। राहुल गांधी जाति सर्वेक्षण पर तेलंगाना कांग्रेस की 5 नवम्बर को होने वाली बैठक में होंगे शामिल। गृह मंत्री अमित शाह रांची पहुंचे, झारखंड चुनाव के लिए आज जारी करेंगे बीजेपी का घोषणा पत्र। प्रियंका और राहुल गांधी आज वायनाड में लोकसभा उपचुनाव के लिए करेंगे प्रचार। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 8 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के दौरे पर रहेंगे। गाजा में टीकाकरण केंद्र पर इजरायली हमले में 4 बच्चों समेत 6 हुए घायल। यूपी में होने वाले उपचुनाव के प्रचार के बीच बीजेपी और सपा के बीच पोस्टर और नारों की जंग जारी है। इस बीच सपा नेता अमित चौबे ने नया पोस्टर जारी किया जिसमें नारा दिया गया है कि मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी। यह पोस्टर लखनऊ में सपा मुख्यालय के सामने लगाया गया है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में स्थित मशहूर मिष्टी महल दुकान में इस साल भाई दूज के अवसर पर विशेष मिठाई बनाई गई है। यह मिठाई मिट्टी के दीपक के रूप में बनाई गई है और इसमें गुड़ और सूखे मेवे का इस्तेमाल किया गया है। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।